मैन ऑफ द मैच बनने के बाद विराट कोहली ने किया बड़ा खुलासा, अंपायर को बताया शतक की सबसे बड़ी वजह, फिर कह डाली ऐसी बात, जीता सबका दिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली ने बेहतरीन शतक ठोक दिया। लेकिन दोस्तों, शतक ठोकने के लिए विराट कोहली को अंपायर की मदद लेनी पड़ी। अंपायर ने एक वाइड गेंद को वाइड ना देकर विराट का शतक पूरा करवाया, तो विराट ने भी उनके लिए बड़ी बात बोल दी। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे पूरा बयान, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली को बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ आपके हिसाब से टीम इंडिया की तरफ से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक कौन लगाएंगे, विराट कोहली या रोहित शर्मा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विराट कोहली के पूरे बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय टीम को जब जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और विराट कोहली को शतक के लिए 3, लेकिन तभी यहां पर पहली गेंद नुसुम ने जो डाली वो लेग स्टंप के बाहर डाली थी, जो कि लग रहा देख कर कि ये वाइड होगी, लेकिन दोस्तों अंपायर ने यहां पर वैसे वाइड नहीं दी और विराट कोहली का शायद वो भी शतक देखना चाहते थे, क्योंकि अगर वहाँ पर वाइड दे देते तो शायद विराट कोहली अपना शतक पूरा ना कर पाते। लेकिन अंपायर के इस फैसले का मैदान में मौजूद हर एक फैंस ने काफ़ी ज़ोरदार तरीके से आज के साथ स्वागत किया, क्योंकि वाइड गेंद को वाइड ना देकर विराट को शतक का मौका दिया और इसके बाद अगली गेंद पर विराट कोहली ने एक कमाल का छक्का जड़कर अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। विराट की कमाल की बल्लेबाजी रही और उन्होंने मात्र 97 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत दिला दी। लेकिन जीत के बाद वो अंपायर के पास गए और उनका शुक्रिया अदा किया उस वाइड बॉल को वाइड ना देने के लिए, और साथ ही उन्होंने जब मैन ऑफ द मैच दिया गया तो इसको लेकर बड़ा खुलासा भी कर दिया। तो चलिए दोस्तों, हम आपको वो पूरा बयान दिखा देते हैं कि आखिरकार विराट ने अंपायर और इसके बाद केएल राहुल को लेकर क्या कहा। तो दोस्तों, विराट कोहली ने मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे पूछा गया कि आप अपने शतक के बारे में क्या कहेंगे और इसे पूरा करने की पूरी रणनीति आपने कैसे बनाई, तो इस पर विराट कोहली ने कहा कि मेरे लिए शतक लगाना आज बेहद ही ज़रूरी था, क्योंकि वर्ल्ड कप में मैं पहले कई अर्धशतक जमा चुका था लेकिन चेस करते हुए एक भी शतक नहीं बनाया, लेकिन आज के मुकाबले में ये कारनामा करना था और वो मैंने करके दिखाया। इसके लिए केएल राहुल का तो शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ अंपायर का भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि अंपायर ने एक वाइड गेंद को वाइड ना देकर मेरा शतक पूरा करने में हमारी पूरी मदद की, क्योंकि अगर वो वाइड गेंद दे देते तो शायद मैं अपना शतक पूरा नहीं कर पाता। तो इस शतक के लिए मैं अंपायरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान रोहित को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जिस तरीके से इस बार टीम को लीड कर रहे हैं, जरूरी हम इस बार ये वर्ल्ड कप भी अपने नाम करेंगे। तो दोस्तों, विराट कोहली का ये बयान आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।